हे एवरीवन, दिस इज़ शैली मल्होत्रा। वेलकम टू शैली मल्होत्रास किचन। तो आज मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट रेसिपी लाई हूँ। देखिए कितनी डिलीशियस लग रही है, आप गेस कर सकते हो ये मैंने क्या बनाया है। ये बनाया है उत्पम। ये बहुत ही हेल्दी है और ये भी वेट लॉस में बहुत ही हेल्पफुल है। और इसमें बी विटामिन्स हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा जो एनर्जी लेवल है वो बढ़ता है और मेटाबॉलिज्म भी इम्प्रूव होता है। तो ये सबके लिए ही बहुत हेल्दी है। ये देखिए कितना स्पॉन्जी बना है। तो चलते हैं फिर बनाने, देर किस बात की। इसके लिए मैंने कुछ वेजिटेबल्स लिए हैं, इसके लिए कैप्सिकम और एक टोमेटो और एक मैंने अनियन लिया है। तो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी और चलते हैं। अब इनको हम कट करते हैं। आप कोई भी वेजिटेबल्स ले सकते हो, ये मॉर्निंग का टाइम है। और मैंने बेटी से पूछा कि क्या बनाएं आज ब्रेकफास्ट में, तो बोली कि मम्मा उत्पम बना लो, बहुत देर हो गई है उत्पम नहीं बनाया। और ये मोस्ट रिक्वेस्टेड रेसिपी है। मेरे चैनल पे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने मुझे डिमांड की थी इस रेसिपी की। आई एम वेरी सॉरी कि मैं बहुत लेट पोस्ट कर रही हूँ। वैसे भी मैंने उत्पम बहुत देर बाद बनाया है, तो मैंने सोचा कि रेसिपी भी पोस्ट करनी है और बेटी की भी डिमांड है, तो क्यों ना हो उत्पम बनाया जाए। तो आप कोई भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हो। इसकी मैंने रील भी पोस्ट की थी, बट उसमें जो था कि मैंने प्याज के ही उत्पम बनाए थे, लेकिन वो भी देखने में बहुत डिलीशियस थे। मेरे पास वेजिटेबल्स अवेलेबल नहीं थे उस टाइम, तो अब मैं सारे वेजिटेबल्स डाल रही हूँ। आपका जो मन हो आप वो वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं अनियन और ये कैप्सिकम वगैरह ही डाल रही हूँ। अब हमारी चॉपिंग हो गई है, तो चलते हैं बनाने के प्रोसेस में। ये मैंने एक प्लेट में निकाल लिए हैं सारी वेजिटेबल्स। ये हमारी चॉपिंग फिनिश्ड। तो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। तो अभी मॉर्निंग का टाइम था, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी चाय ले ली जाए। चाय के बिना एनर्जी नहीं आती है। बेटा तो स्कूल के लिए चला गया था, लेकिन बेटी अभी घर पर थी। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में, तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने बारीक सूजी ली है, एक बोल सूजी का लिया है। आप अपनी जो क्वांटिटी है वो बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो। और 3/4 बोल जो है मैंने कर्ड का लिया है। कर्ड की क्वांटिटी आप बिल्कुल भी कम मत रखिए, इतनी ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि अगर सूजी का कंटेंट ज़्यादा होगा ना, तो ये बारीक सूजी है, अगर सूजी का कंटेंट ज़्यादा होगा ना, तो जो हमारे उत्पम है ना वो ड्राई बनेंगे। अगर उसमें कर्ड या जो मैं क्वांटिटी आपको बता रही हूँ उतना रखोगे ना, तो आपके जो उत्पम हैं वो ड्राई नहीं बनेंगे, सूखे सूखे नहीं बनेंगे, वो मॉइस्ट बनेंगे। ये मैंने डाल दी है दोनों, और अब हम इसको कर देंगे मिक्स। हमने अभी पानी ऐड नहीं करना है बिल्कुल भी, बस हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, जो दही है ना वो सूजी को कोट कर ले। अच्छे से आपने मिक्स करना है, बहुत ही हल्के हाथों से मिक्स करना है, ताकि उसमें गांठे ना पड़े। ये देखिए मैंने मिक्स कर दिया है, लेकिन अभी ये बैटर जो है ना थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है ना, तो इसमें थोड़ा सा अगर आप चाहो तो थोड़ा सा वाटर ऐड कर दो। ये मैंने पानी लिया है, मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करा है। पानी ऐड करके ना आप अच्छे से इसको मिक्स कीजिए, मिक्स मिक्स मिक्स। ये मिक्स हो रहा है अच्छे से। ये पानी आपने मिक्स करना है, क्योंकि फिर हम इसको रेस्ट पे रखेंगे। और रेस्ट पे रखेंगे क्या होता है कि सूजी में जब हम पानी पहले डालते हैं ना, तो सूजी पानी पीती है, जब वो पानी अब्जॉर्ब कर लेती है ना, तो जो बैटर होता है ना ये बहुत ही गाढ़ा हो जाता है। हमने इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अच्छे से फेंटना है। ये देखिए ऐसी कंसिस्टेंसी हमने करके इसको रख देना। ये देखिए मैंने 1 ग्लास वाटर लिया था, और मैंने अभी इसमें से इतना सा पानी ही यूज़ करा है, बाकी हम बाद में डालेंगे। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रखेंगे। इसको 10-15 मिनट्स का रेस्ट चाहिए, ताकि सूजी फूल जाएगी, जितना पानी उसने एब्जॉर्ब करना है वो एब्जॉर्ब कर लेगी। और ये रेस्ट होने के बाद मैंने 15 मिनट रेस्ट पे रखा था, और अब दिखाती हूँ मैं इसका बैटर। देखो कितना थिक हो गया ना, बहुत थिक हो गया। लेकिन ये हमारे उत्पम के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, इससे तो हमारे उत्पम जो हैं वो फट जाएंगे, टूट जाएंगे। तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको फिर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बीट करेंगे। अच्छे से करना है, जितनी अच्छी तरह से हम अपना बैटर को बीट करेंगे ना, उससे क्या होता है कि फ्लफ़ी हो जाता है हमारा बैटर, और जो हमारे उत्पम्स होते हैं ना वो और भी स्पॉन्जी बनते हैं। ये देखो मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको बीट कर रही हूँ, आपने एंटी क्लॉकवाइज में बिल्कुल नहीं जाना है। ये देखिए बस ऐसी कंसिस्टेंसी तक आपने रखना है, ये बिल्कुल सेट कंसिस्टेंसी है उत्पम की।
और अब हम डालेंगे ड्राई स्पाइसेस. मैंने सॉल्ट डाला है 1/2 टीस्पून, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट. रेड चिली, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट. अगर आप ग्रीन चिलीज भी डालना चाहते हो आप ऐड कर सकते हो. 1/2 टीस्पून मैंने गरम मसाला का डाला है. बस इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हमारे सारे मसाले जो हैं इस बैटर में मिक्स हो जाएं. ये मिक्स हो गए हैं, ये देखिए बस ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए. और ये सारी वेजिटेबल्स मैंने कट कर ली है. अनियन, टोमेटोज, ये कोरिएंडर है और ये है कैप्सिकम. तो चलते हैं बनाते हैं उत्पम्स. और उत्पम बनाने के लिए आप नॉनस्टिक पैन ही यूज़ कीजिए. तो मैंने इसमें यूज़ करा है ये जो टिक्की का पैन होता है ना, मैं वो यूज़ करी, ये नॉनस्टिक है. जब भी हम उत्पम बनाएं तो इस चाहे कोई भी पैन है हम उसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे. मैं घी यूज़ कर रही हूँ, बच्चों के लिए बनाना है तो घी यूज़ कर रही हूँ. जब भी बैटर आपने तवे पे डालना है, ये हमारा ग्रीस हो गया, जब भी बैटर आपने तवे पे डालना है तो उसको अच्छी तरह से बीट करके डालना है. ये 1/1 स्पून मैं ऐड कर रही हूँ. ये देखिए कैसे फैल रहा है ना, बस ऐसा आपका बैटर होना चाहिए. अगर आप बहुत गाढ़ा सा बनाओगे ना तो आपके उत्पम अच्छे नहीं बनेंगे. वो ना तो फ्लफ़ी होंगे, ना सॉफ्ट होंगे और ना ही मॉइस्ट होंगे. बस आपने ये टिप्स और ट्रिक्स हैं जो ध्यान में रखने हैं जब भी आपने उत्पम्स बनाने हैं सूजी के. ये मैंने डाल दी है. अभी तवा जो है ना एकदम गर्म होना चाहिए जब भी आप इसको डालो. और जब आप इसको डाल दो तो आप उसकी फ्लेम जो है लो कर दो, क्योंकि अगर तवा ज़्यादा गर्म नहीं होगा ना तो आपके उत्पम जो है वो सूख जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे, केकी से हो जाएंगे. ये मैंने उस पर वेजिटेबल्स लगा दी हैं. ये मैं लगा रही हूँ प्याज, फिर हम टोमेटोज और कैप्सिकम भी लगाएंगे. मैं दो जो उत्पम है वो बना रही हूँ धनिया के बिना, वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ कोरिएंडर के बिना कैसे लगेंगे. लेकिन अगर हम धनिया पत्ती लगाते हैं ना तो उससे जो फ्लेवर है ना बहुत अच्छा आता है. तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगी कि आप हमेशा कोरिएंडर ज़रूर ऐड कीजिए हर चीज़ में. एक तो डाइजेशन में अच्छा है और वैसे भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है. ये साइड्स पे भी हम थोड़ा थोड़ा घी लगा देंगे. अभी मैंने जो वेजिटेबल्स जब हमने लगा दिए तो मैं मीडियम फ्लेम पे कर रही हूँ इसको, क्योंकि जब हम वेजिटेबल्स लगाते हैं थोड़ा टाइम लगता है. ये डर होता है कि नीचे से जल ना जाए, क्योंकि जो तवा होता है एकदम गर्म होता है. तो ये सभी पे हम साइड्स पे घी लगाएंगे ताकि अच्छे से ये सेक जाए. ये देखिए लग गया घी अब सब में. अब हम एक एक करके चेक करेंगे और इसको पलट देंगे, फ्लिप कर देंगे बड़े ध्यान से. ये देखिए, और इसको थोड़ा थोड़ा हल्की सी हाथों से इसको प्रेस करना है तब, ताकि हमारे जो वेजिटेबल्स हैं वो भी थोड़े थोड़े फ्राई हो जाएं. ऐसे जो वेजिटेबल्स ऊपर लगाते हैं ना, ये फ्राई होकर ना बहुत ही टेस्टी लगते हैं अगर तवे पे फ्राई करते हैं तो. मैं तो चिल्ले पे भी ऐसे लगा देती हूँ. तो चिल्ले पे भी ऊपर से लगाया ना, ये बड़े अच्छा लगता है प्याज वगैरह तवे पे फ्राई हुआ हुआ. कभी आप भी ट्राई करना, बहुत टेस्टी लगता है. ये मैंने सारे फ्लिप कर दिए हैं, सारे सिक रहे हैं. अब जितना भी इसको सेकना चाहो आप देख सकते हो आपको कैसा कलर इसका पसंद है, बट मुझे थोड़ा थोड़ा ब्राउनिश टोन में अच्छा लगते हैं. ये सारे सिक रहे हैं. ये बहुत ही हेल्दी होता है, वेट लॉस में भी हेल्पफुल होता है, हाई प्रोटीन होता है इसमें. सूजी बहुत ही हेल्दी होती है खाने में. और प्लस हम इसमें कर्ड डालते हैं, उससे जो इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत ही अच्छा बनता है. ये हमारे उत्पम्स रेडी हो गए हैं और इनको हम लेते हैं अपनी प्लेट में और चलते हैं अब सर्विंग के प्रोसेस में. देखने में भी डिलीशियस लग रहे हैं ना. आप बच्चों को टिफ़िन में भी पैक करके दे सकते हो, आपका जब मन हो एज अ स्नैक भी आप खा सकते हो. कोकोनट चटनी के साथ भी आप इसको खा सकते हो. मैंने कई रेसिपीज़ दी हैं कोकोनट चटनी की और धनिया पुदीने की चटनी की, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो. ये हमारे उत्पम रेडी है, चलते हैं सर्विंग के प्रोसेस में. प्लेटिंग करते हैं अब इसकी. मैंने अभी इस टाइम सॉस के साथ सर्व करा है, मैंने चटनी नहीं बनाई है अभी. तो आप अगर कोई भी चटनी की रेसिपी देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पे जाकर आप देख सकते हो. कितने डिलीशियस लग रहे हैं ना, मेरे घर में तो सबके फेवरेट हैं. आप भी उत्तम बनाते होंगे. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप किस स्टाइल से आप बनाते हो उत्पम्स, कौन सी रेसिपी आप यूज़ करते हो बनाने में. तो ये बहुत ही डिलीशियस से उत्पम्स हैं. तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए. मेरे चैनल पे बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, हेल्दी रेसिपीज़ हैं. और ये मैं अपने हस्बैंड को टेस्ट करवा रही हूँ. मैंने कहा कि आप टेस्ट करके बताओ ज़रा कैसे बने हैं. डिलीशियस, उनको भी अच्छे लगे हैं. बाय बाय, इन्जॉय.